वेलकम टू द चैनल। अगर आपकी मोटरसाइकिल के टैंक के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं या साइड में कुछ स्क्रैचेस हैं, जो पेंट के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं, उनको अगर आपको फिक्स करना है तो ये वीडियो पूरा उस बारे में है। ये मेरा एक पर्सनल पैकेज है फॉर बफिंग, कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग टू टेक केयर ऑफ द पेंट जॉब ऑफ योर मोटरसाइकिल और कार्स। ये तीनों डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये कॉमन रबिंग कंपाउंड है, अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाता है। पूरी बाइक को क्लीन करने में और रब करने में जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज होता है उसको करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक ये मशीन भी खरीदी है। इसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बफिंग मशीन खरीदने की सोचते हैं लेकिन वो बहुत महंगी आती हैं। ये जो है सिर्फ एक क्लीनर है, ये अमेजोन पे 500 रुपीज़ का मिल जाता है और इसके साथ एक 3 अटैचमेंट्स आती हैं। आई थिंक ये स्पॉन्ज वाली अटैचमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा कारगर है बफिंग के लिए, क्योंकि ये मैंने यूज़ करके देखी है। तो अगर आपको अपनी बाइक से प्यार है, कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। ये वीडियो हर उस इंसान से जो कि घर में खुद अपनी बाइक की सेल्फ केयर करना चाहता है। तो मैंने सबसे पहले ये MotoMax का रबिंग कंपाउंड मंगवाया था अमेजोन से, जो कि बहुत ही सस्ता है। 120 रुपये की एक बॉटल है। तो मैंने 2 डब्बे मंगवा लिए थे क्योंकि सस्ता था और फ्यूचर में मेरे काम आएगा ही। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये रबिंग कंपाउंड है, ये पॉलिश नहीं है। तो पॉलिश के लिए मेरे पास एक और चीज़ है जो कि है Evawax का ऑटो केयर। ये एक बहुत ही सस्ता, सिर्फ 500 रुपये का एक बफिंग मशीन है। रिचार्जेबल है, आपको देखने से आइडिया हो जाएगा। वही बचपन की मोटर लगी हुई है जिससे हम खेलते थे बचपन में। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सस्ता चाइनीज़ सा प्रोडक्ट है। तो मैंने टेस्ट करने के लिए मंगवाया है कि क्या इससे हमारी टैंक की बफिंग हो सकती है। जब वो सारी रबिंग हो जाएगी उसके बाद हम मैट पॉलिश लगाएंगे। रबिंग करके उसको साफ़ करना ये हर हफ्ते या हर दिन वाली चीज़ नहीं है। ये महीने में कभी आपने एक बार कर लिया या 2-3 महीने में आपने एक बार कर लिया, वो है। ये जो कंपाउंड है रबिंग कंपाउंड, ये पॉलिश से डिफरेंट होता है। पॉलिश जनरली एक वैक्स टाइप का मटेरियल होता है लेकिन ये अलग होता है। इसको आप टच करोगे तो ये काफ़ी ऐसा लगेगा चॉक पाउडर की तरह। तो इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं बाइक के ऊपर और देखते हैं क्या रिजल्ट है। ये जो रबिंग कंपाउंड है इससे मेजर स्क्रैचेस जो होते हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आपको प्रॉपर बफिंग करानी पड़ेगी बाहर से। ये सिर्फ माइनर स्क्रैचेस के लिए है, जैसे कि आप हेलमेट रख देते हो, किसी भी ऐसी मेटल सरफेस पे जिसपे पेंट का हल्का फुल्का स्क्रैच आता है वो ठीक कर सकता है। लेकिन बहुत बड़े स्क्रैचेस या डेंट्स में जो स्क्रैचेस लगते हैं एक्सपेक्ट मत करना कि ये उनको ठीक करेगा। कम करेगा हल्का फुल्का लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करेगा। तो माइनर स्क्रैचेस के लिए है सिर्फ। और पिडीलाइट का प्रोडक्ट है तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। MotoMax का कंपाउंड यूज़ करने के बाद, जो कि ये जुगाड़ू मशीन से मैंने यूज़ किया, और सरप्राइजिंगली ये मशीन काफ़ी अच्छी है। कुछ नहीं है इसमें, एक चार्जिंग है और सामने डिटैचेबल अटैचमेंट्स में लग जाती हैं। कंपाउंड पॉलिश करने के बाद मैंने Evawax का ऑटो केयर का ये भी मैंने टैंक के ऊपर यूज़ किया था। इसके मैंने 2 कोट लगाए थे। सनशाइन में भी आप देख सकते हो कि जो टैंक है उसके ऊपर जो माइनर स्क्रैचेस थे और मीडियम स्क्रैचेस भी जो थे मेरे टैंक के ऊपर, वो सब गायब हो चुके हैं। जब मैं पॉलिश कर रहा था मैंने नोटिस किया था कुछ बड़े बड़े स्क्रैचेस थे टैंक के ऊपर। मुझे लगा था शायद वो फिक्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो मशीन है ये काफ़ी काम की मशीन है बहुत सस्ती। मुझे नहीं पता कि ये कब तक टिकेगी, लेकिन 500 रुपये में जो उसने काम करा वो बहुत बढ़िया काम करा। और वो जो स्क्रैचेस थे, माइनर से मीडियम स्क्रैचेस, वो सारे ख़त्म हो गए थे। मैंने कुछ फुटेज लिया, आप ये फुटेज देखो और डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में। टोटल अगर मैं खर्चा बताऊँ, 500 का ये है, 120 का ये यानी 620, और ये क्लीनर, ये करीबन 250 से 300 रुपये की पॉलिश आपको मिल जाएगी। तो तीनों को अगर मैं लगाऊँ तो 1000 रुपये के अंदर अंदर का पूरा पैकेज है। और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है क्योंकि ये जो है ये रिचार्जेबल है। इसको मैं ऑलरेडी 5 से 6 बार यूज़ कर चुका हूँ और ये अभी भी पूरा भरा हुआ जैसा लगता है। इसमें काफ़ी सारा लिक्विड है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के साथ जो खुद घर पे अपनी मोटरसाइकिल्स का ध्यान रखना चाहते हैं और अपनी मोटरसाइकिल से प्यार करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली इन अ चिल ब्लॉग, ऑन रोड, ऑन अ मोटो ब्लॉग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।